गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीतू मौर्य और आप देख रहे हैं एंटी मौर्य स्टाइल। जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक है बेसन का फेस पैक हम अपने फेस के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और उससे जो है कि स्क्रब हम अपने फेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। बेसन को ना सिर्फ हम खाने में इस्तेमाल करते हैं बल्कि ये हमारे स्किन के लिए काफी बेनिफिट साबित होता है। आप इसे घर पे रह के ही अपना एक नेचुरल होममेड फेस पैक तैयार कर सकते हैं जो हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिट होगा। तो चलो हम अपना फेस पैक को रेडी करते हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम अपना फेस पैक तैयार करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बेसन। बेसन हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। ये खाने के साथ साथ स्किन को लाइटनिंग और ग्लोइंग बनाने में काफ़ी असर करता है। तो एक से दो चम्मच आपको बेसन लेना है। बेसन लेने के बाद आपका सेकेंड स्टेप होता है आटा। आटा जो हम नेचुरली हमारे घर में आराम से मिल जाता है, रोटी बनाते हैं हम इससे, वो ये वही आटा है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक से दो चम्मच जो है आटा इसमें मिक्स करिए। आटा हमारे स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे दो चुटकी हल्दी। हल्दी इसमें फ्रेश हल्दी लेनी है, अब सब्जी वाली हल्दी नहीं लेनी है, ताकि हम इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये जलने लगेगी। हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसको एक से दो चम्मच जो है कि इसमें दही मिक्स करिए और देन उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसको अच्छा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट बना दीजिए। देखिए, ये देखिए, मैं अब इसको जो है कि इसको पेस्ट बना रही हूँ ताकि गाढ़ा हो जाए। कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लगे तो फिर इसमें ज़रा सा पानी मिक्स करिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे पानी को मिला के एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको थोड़ा सा एक दो मिनट तक मिलाते रहिए ताकि ये हमारा एक नेचुरली सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट अब रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गाढ़ा, होममेड, नेचुरली हमारा ये फेस पैक तैयार हो चुका है। तो चलो अब हम इसे अपने स्किन पे ट्राई करते हैं। तो ये रहा हमारा फेस पैक और इसे हम जो है कि हम अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसको एक फेस पैक की तरह ही अपने फेस पे लगाना है। सबसे पहले इसको लगा के छोड़ दीजिए, अच्छे से लगाइए आप इसको। आप कोशिश करिए कि आपके बालों में ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बना है। और सच माँ मैं बताऊँ तो अब तक का मेरा ये बेस्ट वीडियो है, बेस्ट स्क्रब है, बेस्ट फेस पैक है ये। क्योंकि मैंने जब इसे ट्राई करा ना, तो मेरे को रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अवेसम मिला। तो आप इसे अच्छे से अपने फेस पर लगाइए। बेसन ये हमारे चेहरे का रंग साफ करता है और हमारे चेहरे को मुलायम बनाता है। ये हमारे स्किन से ऑयल को भी हटाता है और इसे वापस आने से भी रोकता है। बेसन के छोटे छोटे कण हमारे स्किन के डेड सेल को रिमूव भी करता है। बेसन मुहासों को बढ़ने से भी रोकता है और एंटी एजिंग, पिम्पल्स, क्लिंजर की तरह भी काम करता है। ये उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ और त्वचा को लटकने से भी रोकता है। आप चाहे तो इसे फुल बॉडी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ पे आपको लगा के दिखाने की कोशिश करी है ताकि ये फेस के अलावा भी हम अपने बॉडी के हर पार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो निखार कुछ बहुत ही अच्छा आया था। इसे आप कम से कम 10-15 मिनट बाद छोड़ दीजिए। देन इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो है कि फेस पैक सूख चुका है। अब इसे मैं हल्के हाथों से, बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे हल्का हल्का स्क्रब करूँगी ताकि जो है कि आराम से। इसका एक बेनिफिट आपको मैं बताऊँ, अगर ये पैक आप लगाते हैं ना, तो आपके फेस पे जो बाल है ना, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आप इसे मंथली में 2-3 बार, वीकली में ट्राई करते हैं, तो आपके जो बाल होते हैं ना, ये गाल के साइड साइड में, तो ये थोड़े थोड़े छूटते रहते हैं। ये पैक इतना गाढ़ा होता है कि अपने साथ जो है कि मैल वगैरह रिमूव कर देता है। और गेहूं की हम यहाँ पे बात करें, हमने गेहूं का आटा इसमें क्यों मिलाया है, तो मैं आपको बताती हूँ। गेहूं में जिंक और विटामिन ई और कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और स्किन को चमकदार बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। यह आटे में टॉक्सिस को हटाने से त्वचा पर मुहासे होने का खतरा भी कम हो जाता है। अगर यहाँ पर मैं हल्दी की बात करूँ, तो हल्दी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जो सन टैनिंग को रिमूव करने में असर दिखाता है। तो यहाँ पे हमने दही इसलिए लिया है क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो है कि जिंक और कई तरह के मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद
होते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रिमूव करिए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रिमूव कर लिया है हल्के हाथों से। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो हल्के हाथों से आप इसे अच्छे से जो है कि स्क्रब की तरह हल्के हाथों से रिमूव करिए। ये कुछ इस तरह से दिखता है, मेरे फेस पर काफ़ी असर मिला है देखने के लिए। देखो अब ये सूखने के बाद हमने जो स्क्रब कर लिया है, अब बारी है हमारे फेस को साफ करने की। तो चलो हम फेस साफ करके आते हैं। तो ये देखिए हमने अपना फेस को साफ कर लिया, मैंने अपने हैंड को भी धो लिया है। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिला है, आप भी जरूर ट्राई करें। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।